क्यों बे? क्या कहा था तूने? ये लोग मुझे भगाएंगे, बोलना इनको। डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। खड़ा क्या है, बोलना इनको। बच्चे यहां, बता इसे देख के क्या करने का मन करता है? मुझे इसकी शक्ल देखकर इसे पत्थर मारने को मन कर रहा है। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहां किसी में नहीं है। मेरे साथ चल, यहां इन लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं। अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर अत्याचार सहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर, डर के आगे घुटने टेक देगा। सब भूल गए जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा, उसे आपके सामने मार दिया गया। जो आपके घरों को बचाना चाहता था, उसे किसी ने नहीं बचाया। जब तक डरोगे, डराने वाले पैदा होते रहेंगे। 10 भाड़े के गुंडे लाकर यह इंसान हजारों को डराता है। सोचो अगर हजार इसके सामने खड़े हो जाए तो। धमकाने वाले से अपने हक के लिए लड़ने वाले का दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई में उतरना पड़ता है। जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, उसे कोई नहीं जीत सकता। हो गया, क्या डायलॉग मारा। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, खास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। और शेर को देखकर हिरण दुबक कर छुप जाता है, पर ये सच है। भूल जा, कोई आगे नहीं आने वाला। क्या रे बुढ़ाओ, तू इस लौंडे पे भरोसा करता है? हाँ, फुट ले। अब जाता भी है कि तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दो। एक होके सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है, सिर्फ तकियानुसी बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई देता था ना, आज तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहां आने की जरूरत मत कर, अगर आया तो तेरा क्या हाल होगा जानता है ना। हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। चल निकल जा। निकल, ए चल निकल। आज हमने उसे भगा दिया बेटा। जब भी हम आवाज उठाते थे, वो हमारी आवाज दबा देता। उसके डर की वजह से हम दब के जी रहे थे। उसके सामने सर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी।
आज से हमारी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे। एरिया खाली करवाने का वादा किया था आपने हमसे और 100 करोड़ रुपए मैंने टोकन में दिए थे। अगर वो जमीन तुम नहीं खाली करवा सकते तो मुझे मेरा पैसा 2 दिन में वापस चाहिए। खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान सब दे रहे हैं गुरु ज्ञान। अब आगे क्या सोचा है धर्मा? तुम्हारे आगे जिसकी पैंट गीली हो जाती थी आज वो तुम्हें धमकी देकर चला गया। 25 साल 25 सालों से धर्मा ने यहाँ राज किया। जो भी मेरे बीच में आया उसे मार डाला। एक एक करके लोगों के दिल में मेरे लिए खौफ बढ़ता गया और मैं फिर धर्मा से धर्मा भाई बन गया। पूरे 25 साल तक किसी ने मुझसे आंख मिलाने की जुर्रत नहीं की, लेकिन इस लौंडे ने मुझे हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ ही नहीं है। रोकूं तो कैसे रोकूं उसे? कैसे? हे धर्मा, जानता है उसमें और हम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारी ताकत हमारे पीछे खड़े लोग हैं, हमारी फौज है, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी वो ताकत है। वो जितनी देर और जिंदा रहेगा हमारा जीना उतना ही दुश्वार होता जाएगा। हमें अपना डर हमेशा कायम रखना है। इसके लिए उसे मरना होगा। मार डाल उसे। भाई, चरण अपने दोस्त की शादी के लिए आजरा शहर से बाहर जा रहा है। तो आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। सुला दो उसे। बस आपकी तरफ आ रही है। आ गए हमारे चाहने वाले। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। तुझे मारने के बाद धर्मा ने मुझे एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाने का वादा किया है और लीडर तो मैं बन के ही रहूंगा। Thank you.
पीछे से वार नहीं करते, मर्द तो सामने से वार करता है। चल मार, मार, मार। इसकी लाश उठा के इसकी मां को पार्सल कर दो। उस दिन जब मैं तेरे पास आया था तब तो तू बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। अब देख बेचारा तेरे सामने बेजान पड़ा हुआ है। क्या कहा था तूने? तेरा बेटा शेर है। जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तुम्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और उन लोगों को मेरे बेटे की। मैं अपने बेटे से जुड़ी हजारों लोगों की उम्मीदों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने बेटे का चेहरा चाहिए था। तब मैंने ये फैसला लिया। मैं तुम्हें पहले ही ये सब बताना चाहती थी लेकिन तुम चले गए। न जाने मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। चरण की मौत के बाद क्या हुआ था?